ये हम सब के लिए बड़ा दुख का विषय है। कल जिस प्रकार से न्यूज चैनलों के माध्यम से हमने देखा कि पुरी के लोकसभा क्षेत्र में चिलिका विधानसभा में प्रशांत कुमार जगदेव, जो बीजू जनता दल बीजेडी से एमएलए हैं, विधायक हैं, वो खुद गाड़ी चलाते हुए आते हैं और एक जनता के समूह के बीच वो अपने गाड़ी को घुसा देते हैं और लगभग 25 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, लोगों को रौंदते हुए वो आगे बढ़ते हैं। कई लोग हताहत हुए हैं, लगभग 22 से 23 लोग हताहत होकर अस्पतालों में, भिन्न भिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। आज सुबह उड़ीसा आके मैं उड़ीसा के हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय समीर महांती जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी के पृथ्वीराज हरिचंदन जी, हम सभी ने एम्स में जाकर जो मरीज एम्स में भर्ती है, जो हताहत हुए हैं, हमने उनको देखा, उनको ढाढ़स बंधाया। दुख का विषय है कि जो भी मरीज आज एम्स में भर्ती है, किसी की टांग टूटी हुई है, किसी के रिब्स के हड्डी, जो रीढ़ की, जो हमारे लंग्स के पास जो हड्डी होती है वो टूटी हुई है, अधिकांश जो पेशेंट है वो महिला है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, एक विधायक, एक चुना हुआ प्रतिनिधि, वो खुद गाड़ी चला करके इस प्रकार जघन्य अपराध कर सकता है। ये पराकाष्ठा है अहंकार की। मैं बड़े दुख के साथ बताना चाहता हूं कि कल हमने न्यूज चैनल के माध्यम से यह भी देखा कि प्रोबेबली दी एमएलए वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, मद्य पदार्थ अर्थात शराब के इन्फ्लुएंस में विधायक गाड़ी चला रहे थे। एक तो अल्कोहल पीकर गाड़ी चलाना और ऊपर से 25 लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ना, यह अपने आप में बहुत ही चिंताजनक विषय है। आज मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वास्तविक रूप में क्या परिस्थिति थी और कहां और किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया। आप सभी जानते हैं कि उड़ीसा में पंचायत के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव के पश्चात चेयरमैन के इलेक्शन हो रहे थे। चिलिका विधानसभा में दोनों ब्लॉक्स में चेयरमैन के इलेक्शंस चल रहे थे, दोनों में बीजेपी की जीत हुई। बाणापुर ब्लॉक, जो एक ब्लॉक है जहां कल चेयरमैन के चुनाव का प्रक्रिया चल रहा था, जब ये चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी उसी समय आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही थी, विधायक कहीं ना कहीं एक प्रयास कर रहा था बीजू जनता दल का कि पूरे के पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को वो अपने हाथों में ले ले और कहीं ना कहीं इस चुनावी प्रक्रिया को बाधित करे। और जब यह काम सुचारू रूप से नहीं हो पाया तो अंततो गत्वा आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बौखला करके उसने भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता बाहर मौजूद थे और मुख्यतः जो महिलाएं मौजूद थी उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उन्हें रौंद कर मार डालने की कोशिश की गई। दिस वॉज नथिंग बट एन अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर नॉट जस्ट दी कार्यकर्ता ऑफ भारतीय जनता पार्टी, बट इट वॉज एन अटेम्प्ट टू मर्डर डेमोक्रेसी। ये गणतंत्र और लोकतंत्र की भी हत्या करने की साजिश थी। मैं आज मीडिया के सामने एक गंभीर मसला रखना चाहता, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों में 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः अपने सरकार को बना रही है। वी आर रिपीटिंग गवर्नमेंट इन 4 स्टेट्स आउट ऑफ 5, वी हैव डन वेल इन 4 स्टेट, वी हैव नॉट डन वेल इन 1। बट मैं आज एक बात गर्व के साथ कह सकता हूं कि 5 राज्य में कहीं भी हिंसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहीं भी, पंजाब में हमने अच्छा किया प्रदर्शन, सब कुछ किया, मगर हमने वहां कहीं फ्रस्ट्रेटेड होकर किसी पे अटैक करना, इस प्रकार की राजनीति नहीं की। 4 राज्य में हमारी सरकार बनी मगर हमने अपने ओपोनेंट्स को भी सम्मान दिया है। मगर यह क्या कारण है कि बंगाल हो या उड़ीसा,
चुनाव के नतीजों के बाद इस प्रकार की हिंसा होती है और हमारे कार्यकर्ताओं को मारने की कोशिश की जाती है। बंगाल में तो कई हमारे कार्यकर्ता, कई सौ कार्यकर्ता मार दिए गए, और उड़ीसा में जिस प्रकार से हिंसा इस चुनाव के दौरान रहा है, ये तो कल जिस प्रकार की दुर्घटना घटी है, कल जिस प्रकार की दुर्घटना को, हत्या की साजिश को अंजाम दिया है बीजू जनता दल के विधायक ने, ये अप्रत्याशित है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ये घोर अन्याय और घोर अत्याचार है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और दो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो विधायक है प्रशांत कुमार जगदेव, ये प्रशांत कुमार जगदेव एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। ये पहले भी अपने इसी प्रकार के गतिविधि के कारण, इनको बाहुबली विधायक कहा जाता है, पहले भी दलितों के ऊपर हमला करना, दलितों को मारना, एक दलित व्यक्ति को बुरी तरह से मारने के कारण वो न्यूज में आए थे। बौद्ध जिला में जाकर के वहां पर भी लोगों की पिटाई करना, यह काम भी पहले इस व्यक्ति ने किया हुआ है। उसके बावजूद बीजू जनता दल ने उसे अपने पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया था, यह सवाल हम पूछना चाहते हैं। Why was प्रशांत कुमार जगदेव नॉट एक्सपेल्ड फ्रॉम बीजू जनता दल डिस्पाइट द काइंड ऑफ आई वुड से वायलेंस दैट ही हैड बीन पार्टिसिपेटिंग इन फ्रॉम द पास्ट। ही हैड अ ट्रैक रिकॉर्ड, but still he was given all due importance in the party. He was promoted, he was made to contest the election yet again, and he was not removed of the party. Beech mein wo party se suspend hue the. Biju Janata Dal ke jo pravakta hai wo keh rahe hain humne to inhe beech mein suspend kiya tha. Ye suspension puri tarah se ek natak tha. Ye suspension natak isliye tha kyunki ye jo chunav hue hain, इस चुनाव में न केवल हर बैठक में प्रशांत जगदेव ने भाग लिया है, हर बैठक में बीजू जनता दल के उन्होंने भाग लिया है, रिकॉर्ड मौजूद है, आप लोगों ने दिखाया है, प्रचार में भाग लिया है, हर किसी में भाग लिया है। तो यह निलंबन एक नाटक था, निष्कासन क्यों नहीं, यह हम जानना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी न केवल इसकी निंदा करती है, अपितु आज हम ये मांग करते हैं कि कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही प्रशांत कुमार जगदेव के ऊपर होना चाहिए। जगन्नाथ प्रदेश है ये, महाप्रभु जगन्नाथ जी का क्षेत्र है जहां ये अनहोनी घटी है, जहां ये हत्या की कोशिश की गई है। और उड़िया लोग समस्त विश्व में अपने अच्छे व्यवहार, भद्रता, शीलता, नम्रता, विनम्रता के कारण जाने जाते हैं। उड़िया लोग इतने नम्र विनम्र है कि वो कभी भी वायलेंस में विश्वास नहीं रखते। मेरा स्पष्ट मानना है कि बीजू जनता दल के विधायक जगदेव जी ने जो किया है उससे न केवल राजनीति को बल्कि पूरे उड़ीसा राज्य को, कहीं ना कहीं भारतवर्ष में हमारे छवि के ऊपर एक डेंट पड़ा है, एक धक्का लगा है। मुझे इस बात की बहुत चिंता है, बहुत दुख है। बीजू जनता दल को इस पर यथाशीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।